सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक असिस्टेंट कमिश्नर। 100 डेज टारगेट्स के आज इस 30वें दिन हमारा जो टॉपिक है वो है 1757 से लेकर 1857 तक के बीच के जितने भी आंदोलन हुए हैं, जन आंदोलन या विद्रोह, उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। और दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल जो है वो बनते ही बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक मैंने देखा है जनरली या तो इसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी एक छोटी सी भी चूक जो है वो इस बड़े एग्ज़ाम में आप पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों देखो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपसे कि ये एग्ज़ाम यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहते हैं ना कि एक रेखा को छोटी करना हो तो आपको बड़ी रेखा खींचना पड़ेगा, तो ये तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रेखा है, तो आप सोच लीजिए कि आपको कितनी बड़ी रेखा खींचनी, यानी कितना काम आपको करना, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि शेर को जीतने के लिए आपको सवा शेर बनना पड़ेगा, यानी कि जितना बड़ा एग्ज़ाम है उससे आपको सवा गुना तैयारी करके चलना है, यानी अपनी तरफ से कोई कमी आपको नहीं छोड़नी है। ओके, तो हर छोटी बड़ी चीज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं हर छोटी बड़ी चीज़, जो गलतियाँ बच्चे अक्सर करके करते हैं, जो चीज़ें उनके ध्यान में नहीं रहती हैं या जिन चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर डालते हैं। और ये टारगेट वीडियो को करते समय आपको ये महसूस हुआ भी होगा कि आपने अब तक जो टाइम अपना लगाया, कीमती टाइम, वो उन चीज़ों पर ज़्यादा लगा दिया जिसका जो बेनिफिशियल नहीं था, या उन चीज़ों से कैसे बेनिफिट लेना है ये आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा था, वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिशन के लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर करके लोग जो हैं इसमें थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं या अच्छे से याद नहीं करते। मैं आपसे कहूँगा कि इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो आप निश्चित रूप से औरों से बढ़त बनाने की स्थिति में होंगे। तो आइए ज़रा जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1757 से लेकर 1857 तक के बीच में जितने भी जन आंदोलन हुए हैं, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हम शुरू करते हैं फ़कीर विद्रोह से और उसके बाद सन्यासी विद्रोह। तो बहुत इम्पोर्टेंट है सन्यासी विद्रोह दोस्तों, और इसमें आपको क्या पढ़ना है कि देखिए हर विद्रोह में आपको कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें खासतौर से जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना, और वो मैं आपको बताता चलूँगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो सन्यासी विद्रोह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका क्षेत्र क्या था, यानी कि किस एरिया में ये विद्रोह था। देखिए 1857 की क्रांति भी जो है वो पूरे भारत में नहीं फैली थी, केवल उत्तर भारत के कुछ राज्यों में और उनमें भी कुछ विशेष स्थानों में थी, ठीक है। तो ये जो विद्रोह हुए हैं ये भी एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया में, एक विशेष क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए हर विद्रोह का आपको क्षेत्र जो है वो पता होना चाहिए कि ये विद्रोह एक्चुअली हुआ क्या है, है ना। तो कौन सा क्षेत्र में हुआ ये, कौन से एरिया में, किस, कौन इसका लीडर था, किसने इसका नेतृत्व किया, ओके। और सन्यासी विद्रोह का क्या नारा था, ये भी सवाल आ चुका है। इसके बाद कौन सा अंग्रेज व्यक्ति था जिसने इसका दमन किया, ओके, ये भी पूछ लिया जाता है सवाल। प्रमुख नेता, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रमुख नेता कौन था। तो हर विद्रोह का कोई ना कोई लीडर होता है और जनरली एक लीडर के बाद फिर कोई संभवतः दूसरा लीडर भी आ जाता है, कभी कभी तीसरा भी आ जाता है। तो जो भी उस विद्रोह को लीड किए हों एक के बाद एक, या समानांतर भी, यानी पैरेलल भी हो सकता है कि दो लोगों ने एक साथ लीड किया हो, एक मतलब लीडरशिप के रूप में, लीडर के रूप में, तो उन प्रमुख नेताओं के आपको नाम याद करने हैं। और प्लस उसके विषय में यदि कोई विशेष विवरण है तो वो भी आप, यानी कि किसने भाग लिया, किसने इसको सन्यासी नाम दिया। अच्छा, यहीं पर हम बात करते हैं आनंद मठ की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह पर ही बेस्ड है। तो ये सवाल भी अक्सर करके आया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह जो है वो कितना महत्वपूर्ण है,
एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद पागल पंथरी विद्रोह, इसका समय क्या था, कब से कब तक, हर विद्रोह का एक समय है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि हिस्ट्री की ज़्यादातर बुक्स में इन विद्रोहों का जो टाइम है वो आपको मे बी के अलग अलग मिले, है ना। तो इस विषय में मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि स्टैंडर्ड बुक को, जो मॉडर्न इंडिया की हों, उनको फॉलो करिए, ठीक है। क्योंकि कई ऐसी बुक्स जो आपको आसपास मिल जाती हैं, ठीक है, आपने जो पढ़ी होंगी, उनमें इन विद्रोहों का समय जो है वो एक्यूरेट नहीं दिया है। स्टैंडर्ड बुक को लेकर चलिए और उसमें जो टाइमिंग दिया है उसको लेकर आप आगे बढ़िए। अच्छा, कई बार क्या हुआ है कि कोई जो आंदोलन है वो कई चरणों में चला, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए कि भाई वो 1757 से शुरू हुआ, फिर 1760 तक चला, फिर रुक गया, फिर 1762 से लेकर शुरू हुआ, 1767-68 तक चला, फिर 2-3 साल के लिए रुक गया। तो कई बार क्या हुआ कि कुछ विद्रोह जो हैं या कुछ जन आंदोलन जो हैं वो रुक रुक कर हुए हैं, कई चरणों में हुए हैं, 1 चरण 2 चरण 3 चरण, इस तरह से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई में क्या हुआ है कि आपने इकट्ठा ही उसका टाइम नाप लिया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, भले ही उसमें वो जो बीच बीच में रुका उसको भी काउंट कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा जो है वो सावधानी से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि जब टाइमिंग मैच कराने, इसमें सवाल बहुत आते हैं मैच कराने के लिए कि भाई ये विद्रोह इसका टाइमिंग ये विद्रोह इसका टाइमिंग ये, फिर वो मैच करने के लिए जब आते हैं तो फिर दिक्कत होती है यदि आपने किसी स्टैंडर्ड बुक से नहीं याद किया। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियर कहूँगा कि अलग अलग बुक्स में आपको मे बी कि किसी विद्रोह का टाइमिंग जो है वो अलग अलग मिले। तो मैं आपसे फिर कहूँगा जो स्टैंडर्ड बुक है उसे फॉलो करिए। बात करते हैं बहावी आंदोलन की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहावी आंदोलन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि बहावी आंदोलन नहीं बल्कि एक बहावी विचारधारा है बेसिकली, है ना। और आज भी जो ये विचारधारा जो है वो आज भी बदस्तूर जारी है। तो आखिर क्या है बहावी आंदोलन या बहावी विचारधारा, तो आइए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन बहावी आंदोलन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहावी आंदोलन, और बेसिकली बहावी आंदोलन आंदोलन न होकर एक विचारधारा है, और संपूर्ण राष्ट्र को ही नहीं बल्कि कई देशों को इस विचारधारा ने अभी तक प्रभावित किया हुआ है। तो इस विचारधारा को एक बार समझने का प्रयास जरूर करिएगा कि क्या है बहावी आंदोलन और क्या है बहावी विचारधारा। तो पहली बात तो ये कि इसका उपनाम क्या है, इस आंदोलन का किस क्षेत्र में ये फैला, किसने इसका नेतृत्व प्रदान किया, उसके बाद कुछ समय के लिए ये विचारधारा जो है वो ठंडी पड़ गई, फिर से इसका पुनर्जीवन हुआ एक तरीके से, यानी फिर से ये विचारधारा एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ी। तो कौन था जिसने इसको एक पुनर्जीवन प्रदान किया, प्रमुख केंद्र इसके कौन कौन से थे जो इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे, उसके बाद किस मत से ये बेसिकली प्रभावित है बहावी आंदोलन, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। मैंने जैसे पहले कहा कि बहावी आंदोलन एक विचारधारा है, तो क्या है ये वो विचारधारा, क्या है वो मत जिसके आधार पर ये आंदोलन चला, इसका स्वरूप कैसा था। देखिए ये चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि हर आंदोलन का एक स्वरूप होता है, जैसे किसी आंदोलन का स्वरूप सिर्फ राजनीतिक है, किसी आंदोलन का स्वरूप सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, किसी का स्वरूप सिर्फ धार्मिक आंदोलन है, ठीक है, किसी का हो सकता है तीनों हो, ओके। तो किसी का स्वरूप हो सकता है सुधारात्मक हो, अपने अंदर सुधार करना हो। तो हर आंदोलन को आप पहले ये जरूर समझने की कोशिश करिए कि उसका स्वरूप क्या है। तो जितने भी आंदोलन मैं यहाँ लिख रहा हूँ उन सब का पहले स्वरूप समझिए कि ये किस तरीके का बेसिकली आंदोलन है। ज़रूरी नहीं कि कोई सामाजिक सुधार आंदोलन हो तो वो राजनीतिक रूप ले, या कुछ आंदोलन सिर्फ राजनीतिक ही प्रकार के थे, कुछ तीनों ही प्रकार के थे। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य भी आप इसको पढ़ लीजिए। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है, और खासतौर से जब हम मुस्लिम संदर्भ में बात करते हैं तो बहावी विचारधारा को हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक से पढ़िएगा इसको। उसके बाद हम बात करते हैं कूका आंदोलन,
दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कूक आंदोलन। तो किसने क्या किस क्षेत्र में फैला हुआ था ये, किसने इसको नेतृत्व प्रदान किया, कौन कौन व्यक्ति जो है वो इस आंदोलन से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, लीडर हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कूक आंदोलन इसका स्वरूप क्या था, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपको हर आंदोलन का स्वरूप समझना पड़ेगा कि इसका फॉर्मेट क्या था, बेसिकली इसका टारगेट क्या था, क्या लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, और इससे जुड़ी कोई विशेष बात जो आपको मालूम होना चाहिए, कोई विशेष संबद्ध व्यक्ति, और यहीं से जो एक विशेष व्यक्ति जो इससे जुड़े जो बाद में रामधारी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा, तो रामधारी आंदोलन को भी यहीं आप साथ के साथ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बड़े ही इम्पोर्टेंट विद्रोह की, अहोम विद्रोह। ये भी मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या क्षेत्र था इसका, कौन सा एरिया में फैला ये, किसने इसको लीडरशिप प्रदान की, इससे संबंधित विवरण एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद संबद्ध व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति इससे संबंधित था। रंगपुर का विद्रोह इम्पोर्टेंट है। फरायजी आंदोलन, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो ये समझिए कि फरायजी या फरायजी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, फिर इस आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है आ चुका है। क्षेत्र क्या था, किस एरिया में था, किसने इसको लीडरशिप प्रदान की, और कौन कौन व्यक्ति जो है वो इससे संबंधित है, और इस आंदोलन से संबंधित कोई विशेष विवरण यदि आपके पास है तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इन आंदोलनों को आपको गहराई से पढ़ना, क्योंकि देखिए यही वो छोटे छोटे आंदोलन थे जो बाद में फिर एक बड़े आंदोलन के रूप में उभरे। तो कोई भी चीज़ जो है वो शून्य में नहीं होती है, ठीक है, हर चीज़, और ख़ास तौर से जब कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ी घटना होती है तो कई छोटी छोटी घटनाओं का योग होती है, तो इस लिहाज से ये सारे आंदोलन जो है बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर रामोसी विद्रोह इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसका क्षेत्र, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। फिर गडकरी विद्रोह, वेलू थम्पी या बेलू टम्पी विद्रोह इम्पोर्टेंट है, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, पौलीगारों का विद्रोह, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पौलीगारों का विद्रोह एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद कच्छ का विद्रोह, गंजम विद्रोह इम्पोर्टेंट, और उसके बाद खोंड का विद्रोह। तो ये मैंने विद्रोहों के कुछ नाम लिखे हैं, और इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए, पढ़ने सब हैं। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा कि मॉडर्न इंडिया के अंदर एटलीस्ट सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, हर छोटी बड़ी चीज़, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में कम इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, कैसे करनी है वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो मॉडर्न इंडिया में आपको कोई रिस्क नहीं लेना है कि भाई यहाँ से सवाल आता है लाइए इसे पढ़ लेते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है मॉडर्न इंडिया के अंदर, तो उस लिहाज से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आज सिर्फ इतने ही विद्रोह हम करेंगे, आदिवासी विद्रोह को हम कल करेंगे। तो ये बड़ा टॉपिक है, 15 विद्रोह हैं ये जो मैंने आज आपको दिए हैं, तो बड़े बड़े टॉपिक हैं, छोटे नहीं हैं ये, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी, और आसानी से ये मैं कहूँ कि ये मतलब आसान टारगेट नहीं है, मेहनत आपको इसमें करना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ आपकी कवर होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, और मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि समय आपके पास कम है, टारगेट काफ़ी बड़ा है, और बड़े टारगेट जो हैं वो बड़े त्याग, बड़े समर्पण, बड़ी मेहनत से प्राप्त होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आप को मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ये बड़ा टारगेट यदि आपको अचीव करना है तो आपको इस कंपटीशन की जो टफनेस है, जो उसका लेवल है, उससे ज़्यादा ही तैयारी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। कम तैयारी से बड़े लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, आपको बड़े लक्ष्य बहुत ज़्यादा मेहनत से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, ये जो आज आप मेहनत कर रहे हैं ये आप अपना मेहनत करके अपने सुनहरे भविष्य की आधारशिला रख रहे हैं। इसी आशा और शुभकामना के साथ कि आपका भविष्य भी एक दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।